गैस ने निगल ली 7 बेगुना जिंदगी। दरी फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव। मुख्यमंत्री ने घटना पर जताया अफसोस। ताजा मामला सीतापुर के बिस्वा कोतवाली अंतर्गत जलालपुर का है, जहां दरी फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसाव हो जाने से 3 बच्चे सहित 7 लोगों की जान चली गई। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुलाकात हो जाती है, डिटेल उनसे पूछ करके कि उनके पास लाइसेंस है या अथवा नहीं है, सही तरीके से चल रहा है या गलत तरीके से चल रहा है, तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर, मौके पर क्या स्थिति देखी, कैसे क्या हुआ कुछ ऐसे? मौके पर एक टैंकर मिला है, बगल में एक हाथा है, उस हाथे के अंदर एक टैंकर है, उस टैंकर से कुछ गैस, कुछ केमिकल का कुछ केमिकल बहाया गया है और उस केमिकल के द्वारा जो है कोई गैस निकली है, संभवतः उसी गैस के निकलने से बगल में जो दरी का काम करने वाले मजदूर हैं उनकी झोपड़ियों तक वो पानी गया है और उस पानी से गैस निकला है, उससे संभवतः मृत्यु हुई। मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है तो क्या राहत मदद के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश मिला है उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि तत्काल जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई हो उसे किया है। इन लोगों को 4 लाख रुपये देने की घोषणा की गई है, उसकी पुष्टि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हुआ है। उनकी तरफ से 4 लाख रुपए प्रति मृतक के लिए अनुमन्य किया गया। अचानक जहरीले गैस के रिसाव से 3 बच्चे, 1 महिला और 3 पुरुषों की मौत हो गई। उसके बाद फैक्ट्री के आसपास तेजी से गैस फैलने लगी। मौके पर सीओ और एडिशनल एसपी मौजूद थे। इस भीषण घटना का कारण एक टैंकर बताया जा रहा है जो बगल के हाथे में खड़ा हुआ था, जिसके अंदर पानी के साथ केमिकल मिला हुआ था। टैंकर खोलते ही पानी के साथ गैस भी लीक हो गई और उस गैस के रिसाव ने इन बेगुनाहों की जान ले ली। मैंने डीएम साहब और सीएमओ साहब और हमारे द्वारा किया गया है। प्रथम दृष्टि से यही लग रही है एक टैंकर से कुछ लिक्विड निकला है, केमिकल निकला है, उसी से कुछ फ्यूम्स है और पॉइजनस फ्यूम्स लग रहा है, उसी वजह से ही इनके प्राणों मृत्यु हुआ। कुछ 2-3 जानवर भी मरे पड़े हैं। इसके अलावा एक कॉर्डन बनाकर 300 मीटर को हमें कॉर्डन बनाने की आवश्यकता है, ये NDRF के माध्यम से भी सूचना मिली थी और कितना भी सर्च कर रहे हैं। इसके अलावा कोई किसी कोई बीमार तो नहीं है, कोई बेहोश तो नहीं है। अभी तक 7 लोगों को मृत्यु का पुष्टि हुआ है, उनके पंचायत नंबर पोस्टमार्टम को कार्रवाई कर रहा जा रहा है। इसके अलावा कितना भी इन्वेस्टिगेशन एंगल पे कितने भी मालिक हैं इनको टीम गठित करके इनको ढूंढा जा रहा है। इसके अलावा आगे की कार्रवाई पर गांव में इस भीषण घटना से अफरा तफरी मच गई है। गांव में फैले भयंकर बदबू ने पूरे गांव को भयभीत कर दिया है। पुलिस अधीक्षक और मुख्य चिकित्सक अधिकारी के मौके पे पहुंचने से घटना स्थल पर नियंत्रण किया जा सका। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की। सीतापुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए आलम अंसारी की रिपोर्ट।